यो, मेरा नाम है विशु जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों को बता दूं, मेरा नाम है विशु जैन और चैनल का नाम है विशु राजन। और काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूं, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था, जॉब पे भी ओवर टाइम चालू हो गया है, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। बट आज टाइम मिला है तो मैं पूरा प्लान, मतलब एक मस्त वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, तो ब्लैक फ्राइडे पे आई होप आपने भी कुछ ना कुछ तो मंगाया ही होगा। मैंने इस ब्लैक फ्राइडे पे मंगाया है एक लैपटॉप और उसके साथ उसकी स्टिक यानी स्टाइलस, बिकॉज ये टच लैपटॉप है तो स्टाइलस भी मंगा लिया मैंने। और ऑनलाइन ही मंगाया, बिकॉज आउटलेट या कोई स्टोर में जाना इस सीज़न में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम ऑनलाइन ही चीज़ें मंगा लें, और अगर ऑनलाइन कुछ सामान गलत भी आ जाता है या कहीं मतलब फॉल्टी पीस भी आ जाता है तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मंगाएं जो आप रिटर्न भी कर सकते हैं और आपको रिफंड भी मिल जाए उस चीज़ का। इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग मेरे इस लैपटॉप की जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है डेल का, और उसके साथ ये स्टाइलस जो कि पेन जिसको बोलते हैं वो भी है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और वीडियो में आ गया है देखना, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, बिकॉज इस सीज़न का पहला मस्त वाला स्नोफॉल इस वीक के स्टार्ट में बिगनिंग में हो गया था, तो उसका वीडियो भी मैंने लिया है, स्नोफॉल के शॉट्स लिए हैं, तो वो भी पूरा देखना। और सबसे बड़ा टास्क, मतलब स्नोफॉल में जो मुझे बड़ा सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है वो है गाड़ी साफ़ करने का, तो वो भी मैंने पूरा उसका वीडियो लिया है, तो वो भी आप देखना। तो बस वीडियो पूरा एंड तक देखना, और चलिए पहले करते हैं अनबॉक्सिंग इस लैपटॉप की। सो प्रोडक्ट है डेल का लैपटॉप, 14 इंच, इंस्पायरन 5000, 2-in-1, सो फोल्डेबल, मतलब 2-in-1 यानी फोल्ड करके वो टैब भी बन जाता है, इसी के लिए स्टिक भी है। तो पहले चले अनबॉक्सिंग करते हैं इस लैपटॉप की और उसके बाद करेंगे हम इसकी, तो लेट्स गो। एडाप्टर 45.0 वॉट का चार्जर है और सिंपल चार्जर है जैसा हर लैपटॉप का आता है, कोई नया चेंजेस नहीं है इसमें। पिन भी इसकी आप देख सकते हैं रेगुलर ये वाली पिन है जो आई गेस हर लैपटॉप की इस तरह की होती है, तो इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अब देखते हैं लैपटॉप कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डेल का लैपटॉप, इस तरह से उन्होंने कुछ पैक करके भेजा है। और वेट तो आई गेस इसका 1.5 किलो जितना, 1 से 1.5 किलो जितना वेट तो हो गई, तो इतना लाइट भी नहीं है। चलिए इसको खोल के देखते हैं कैसा है। तो चलिए गाइस ओपन करते हैं लैपटॉप को, देखते हैं अंदर से इसका कैसा है। बाहर से तो लुक काफ़ी अच्छा है, मतलब मेटालिक टच है पूरा और स्लिम भी है, इतना वो भी नहीं है, थिक नहीं है ज़्यादा, काफ़ी स्लिम है। और आगे से भी इस तरह का लुक है इसका, ये फ्रंट लुक और ये बैक लुक इसका इंस्पायरन, ठीक है। तो 2 USB पोर्ट है जो कि अच्छी बात है, और एक सी टाइप पोर्ट भी है वो भी अच्छी बात है। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। ओके, तो कोई पावर बटन नहीं है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड की बैकलाइट भी है पूरी। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ सेटअप था वो कर दिया है, वो वीडियो में मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर वो सब ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। वो इनिशियल जो बिगनिंग का जो सेटअप होता है वो हर किसी, कोई भी अपने डिवाइस लेंगे तो वो उसमें होगा ही, मतलब रीजन सेलेक्ट करो, लैंग्वेज सेलेक्ट करो एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो बेसिक थिंग्स है, तो वो तो आप सभी को पता है। चलिए अब हम डायरेक्ट लैपटॉप के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इस लैपटॉप के, और यहाँ से आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है।
तो ये है डेल इंस्पायरॉन 14 5000 टू इन वन 14 यानी 14 इंच और 5000 यानी इसकी कोई सीरीज़ होगी और टू इन वन क्या है वो बताता हूँ बाद में आपको। तो एक USB टाइप सी भी है, HDMI भी है, कन्वर्टेबल लैपटॉप है, डेल मोबाइल कनेक्ट, HD वेबकैम प्लस ड्यूअल माइक्रोफोन और डेल थिनो। और ये है हमारा i5। तो ये जो की देख रहे हो वो है फिंगर सेंसर की ये वाली बैक स्पेस के ऊपर वाली। और इसमें अगर आप चाहो तो पिन भी रख सकते हो लॉक करने के लिए और फिंगर सेंसर भी रख सकते हो और भी दो तीन ऑप्शन हैं। तो मैंने अभी फिंगर सेंसर रख दिया है, तो चलिए फिंगर सेंसर से ट्राई करते हैं लैपटॉप को अनलॉक करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिंगर टच से ये लैपटॉप अनलॉक हो गया। तो ये भी किसका फीचर है और आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, कोई पिन भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू विश। तो ये है हमारा डेल का लैपटॉप। इनिशियली दो आइकन है, रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए फटाफट से इसकी प्रॉपर्टी या इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस लैपटॉप के फीचर्स क्या क्या हैं, ऑनलाइन ही देख लेते हैं हम। इसकी वेबसाइट पर जाके डेल की काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा हम लोगों को, उसकी प्राइस भी क्या है सब पता चल जाएगा। तो ये है हमारा लैपटॉप न्यू इंस्पायरॉन 14 5000 टू इन वन लैपटॉप। और ये है इसकी 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, 8 MB कैश अप टू 4.2 GHz जो कि काफ़ी अच्छी है। और विंडोज 10 है इसका OS और ग्राफिक है ये इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स विद शेयर्ड ग्राफिक मेमोरी। 8 GB इसकी रैम है और 256 GB जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इनफ है बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा डेटा इस लैपटॉप में सेव करता हूँ नहीं, तो 256 इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। और ये है NMVE SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। और जिन लोगों को नहीं पता कि SSD और HDD में क्या फ़र्क है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है रीड एंड राइट के लिए, मतलब डेटा का रीड एंड राइट का ऑप्शन SSD में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपेयर टू HDD। और इसका कलर है ग्रे, टाइटन ग्रे एक्सटीरियर। पोर्ट एंड स्लॉट्स जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया, तो इसके इसमें टू USB पोर्ट्स हैं, 3.2 Gen 1 टाइप ए, 1 SD कार्ड रीडर है, फिर माइक्रोफोन कॉम्बो और पावर जैक भी है एक जो कि हो गई, एक HDMI है और एक ये टाइप सी पोर्ट भी है। तो दो USB पोर्ट, एक टाइप सी, एक HDMI, एक मेमोरी कार्ड रीडर और एक पावर केबल का पोर्ट, तो ये भी अच्छा ही है। और प्राइस है 829। देख सकते हैं कि आप टेम्प्रेरली आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, अच्छा हो मैंने मंगा लिया बिकॉज मुझे अच्छी प्राइस लगी। और मैंने मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इन सब में मतलब टेक्निकल नॉलेज हैं जिनको ज़्यादा, तो उनको भी पूछा तो उन्होंने बोला कि यस प्राइस सही है ले ले, तो मैंने ले लिया फिर। तो 829 प्लस टैक्स मुझे पड़ा अराउंड 930 के आसपास कुछ। और भी इसके आप चलिए और भी इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं हम। ये मैंने बताई दिया आपको डिस्प्ले इसका 14 इंच फुल HD विथ LED बैक लाइट टच डिस्प्ले, कलर बता दिया, वाईफाई इसका 6 है जो कि लेटेस्ट है अभी, और 3 सेल बैटरी, i5 इसका प्रोसेसर। और भी इसमें एडिशनल आप कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, जैसे कि वारंटी, 1 ईयर वारंटी तो इंक्लूडेड है ही, एडिशनल वारंटी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, प्लस सॉफ्टवेयर या कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आप इसमें एडिशनल मतलब ऐड करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। मैंने नहीं लिया बिकॉज मेरा जो कॉलेज का है मैं वही यूज़ करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों ये 2-in-1 है, तो इस तरह से ये कुछ फोल्ड हो जाएगा, मैं आपको अभी करके भी बताऊंगा, बट उससे पहले हम एक बार स्टाइलस खोल के देख लेंगे कैसा है मतलब हमारा पेन, फिर हम फोल्ड करके चेक करेंगे कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। आइए इसका वेबकैम भी चेक कर लेते हैं।
दोस्तों $829 प्लस टैक्स यानी 929, तो इंडिया के हिसाब से अराउंड 55 के आसपास का कुछ होगा, मतलब 55,000 के आसपास का कुछ लैपटॉप, बिकॉज अभी रेट कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, फिक्स रेट नहीं है इंडिया और कनाडा का कन्वर्जन रेट डॉलर टू रुपीज़ का, तो 55 के आसपास आप अंदाज लेके चलो उतने का होगा, 55,000 के आसपास का। चलिए इसका एक बार वेब कैमरा चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कैमरा, और 720 पिक्सल का कैमरा, मतलब नॉट गुड नॉट बैड और मोर देन इनफ है मेरे लिए, मुझे इससे ज़्यादा को कुछ चाहिए भी नहीं। और पहले जो लैपटॉप आते थे तो उसमें वेबकैम या कैमरा जो होता था, तो वो क्या होता था, जैसे हम कुछ इनपुट देते तो आउटपुट जो है वो डीले होता था, मतलब इनपुट देने के कुछ सेकंड बाद आउटपुट हमको मिलता था। तो चेक करते हैं इसमें कैसा हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ तो चेक किया, तो इसमें जो लेटेंसी है वो कम है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब पहले के लैपटॉप से तो अभी इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। तो देख सकते हैं आपके मैं मतलब रियल टाइम में हो रहा है, जैसे मैं हाथ ऊँचा कर रहा हूँ तो ये ऊँचा भी हो रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो इट्स नॉट बैड। तो गाइस ये था हमारा डेल 14 इंच 5000 स्पायरन 2-in-1 लैपटॉप। तो अब आपको बताते हैं इसका स्टाइलस कैसा है, चलिए फटाफट से वो भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलो अब इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है स्टाइलस हमारा। ये हमारा स्टाइलस, मतलब कि जो पेन होता है वो, तो जैसे हम बचपन में वो स्लेट और वो यूज नहीं करते थे, स्लेट और चौक, वही है डिजिटल हो गया सब कुछ। तो इस तरह का कुछ पैकिंग में आता है स्टाइलस। तो गाइस ये हमारा पेन, और इसके साथ ही आती है बैटरी, बैटरी को हम इसमें डालेंगे। ये क्वाड ए बैटरी है, मतलब 4x A इसकी साइज़ है बैटरी की, बहुत ज़्यादा पतली छोटी सी बैटरी है। तो इसको इसमें डालेंगे और फिर टेस्ट करेंगे हम अपनी एक्टिव पेन को जो है स्टाइलस। चलिए पहले बैटरी डाल लेते हैं इसके अंदर। गाइस हमारी पेन रेडी है, चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि हमारा लैपटॉप, इसको हम पहले फोल्ड कर देंगे, जो 2-in-1 है उसका कैसे 2-in-1 है मैं बताता हूँ। तो ये पूरा लैपटॉप जो है ये इस तरह से फोल्ड हो गया पूरा। तो अब आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये है थोड़ा हैवी, बस इसका एक ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि थोड़ा हैवी है, तो ज़्यादा देर आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते। चलिए अब इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं हमारी स्टाइल, देखते हैं हमारा स्टाइलस कैसा है। जो आगे की जो स्विच है उसको दबा के हम इस पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय नेम इज विशु, तो ये लिखा हमने। और इसको रब इरेज करने के लिए काफ़ी इजी है, पीछे की जो स्विच है उसको दबाओ और इरेज कर दो। तो ये इरेज भी हो जाएगा। और ये जो है ये की पैड वो मैग्नेटिक है, पेन आप इस तरह से यहाँ पे रख सकते हो, ये गिरेगी नहीं। तो इस तरह का ये मैग्नेटिक है, यहाँ पे भी आप रख सकते हो, ये भी मैग्नेटिक है। तो इतना पोर्शन ये पूरा इन्होंने मैग्नेटिक रख कर रखा है ताकि आप आपकी पेन को आराम से यहाँ पे रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लैपटॉप और हमारा स्टाइलस यानी एक्टिव पेन। चलिए आप वीडियो को आगे देखिए और देखिए हमारे स्नो फॉल के शॉट्स, और कैसे हमने गाड़ी साफ की भारी स्नोफॉल में, और उसके बाद आप आराम से अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, ब्लैक फ्राइडे को एंजॉय कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, बाहर मत जाइए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और लैपटॉप कैसा लगा, और भी कोई लैपटॉप के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना। और बाकी डेल का प्रोडक्ट है, देखते हैं कितना अच्छा चलता है। मैंने पहले HP का था मेरे पास लैपटॉप, अभी भी है वो, चल रहा है वो, अनिशा यूज़ कर रही है, और ये मैंने मेरे लिए मंगा लिया बिकॉज अब दोनों को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है, तो दोनों के अलग अलग लैपटॉप मैंने मंगा लिए। चलें
तो आप वीडियो में आगे एंजॉय कीजिए और मेरी बकवास तो चलती रहेगी, आप आगे एंजॉय कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाय, और इस सीजन की पहली भारी स्नो आई गेस नवंबर एंड में आ गई। ये महीना कुछ ऐसा है फ्लक्चुएशन वाला रहा पूरा, मतलब एक वीक ऐसा था जब फुल ऑन गर्मी थी, जैसा समर आ गया वैसा लग रहा था। अभी देख लो ये हाल है वेदर, पूरा स्नो, ऑलमोस्ट -2 या -3 होगा आज, और आज एकदम हैवी स्नो है। तो फिलहाल अभी हम साफ कर रहे हैं गाड़ी, इसके बिना काम नहीं चलता। तो भाई विंटर में ये सब मेहनतें करनी पड़ती हैं यहाँ पे। पहले गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं ताकि गाड़ी गर्म हो जाए। लास्ट टाइम मैंने ऐसे वीडियो लिया था गाड़ी साफ करते हुए, और उसके जैसे निकला गाड़ी लेके तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से मैंने कभी ऐसा वीडियो लिया ही नहीं। तो आज तुम लोग बच के रहना। तो जिनको विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आइए गुजारिए कुछ दिन कनाडा में, सारे मज़े निकल जाएंगे आपके विंटर के। ये जिसने फ़ोन पकड़ रखा है उसका भी हाथ कांप रहा है। ये अभी फ्रेश स्नो इसलिए जल्दी निकल गया, बाकी अगर पूरी रात ओवरनाइट अगर स्नो गिरता है तो पूरा जम जाता है और तो फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है स्नो निकालना गाड़ी। फाइनल एक काम पूरा हुआ, स्नो साफ करने का बहुत भारी काम है यार। और ये विंटर 6 महीने बस यही काम है, सुबह उठो गाड़ी साफ करो, और उसमें ही लेट हो जाता है जॉब पे, बट करना तो पड़ेगा ही। अर्शिल हाउ आर यू, इसने वीडियो उतारा, इसके हाथ जम गए।